60 रुपए था। कितना गुना आप लोग बढ़ा दिया सर? वो बढ़ाए सर, कितना बढ़ाए सर? कितना सवाल मेरा नहीं, वो हमारा बार के लिए, बार का जैसे बहुत सारा चीज ऐसे है वकीलों को अभी नहीं मिल रहा है, उसलिए वैसा किया गया। सारे वकीलों का गुना बढ़ा सर? अब जो भी गुना बढ़ा मान लिए ठीक है, लेकिन वो आपने तो 3.5 गुना बढ़ाया, तो उसके लिए जनता, आप जनता के रिप्रेजेंट को लेकर ये कर रहे हैं कि जनता को तकलीफ हो रही है। आपने ऐसा नहीं कहा कि वकील को तकलीफ हो रही है, तो जनता को तो 200 रुपया का एफिडेविट का फॉर्म खरीदने में तकलीफ हो रही है सर। तो वो तो बार जनता लुक के बारे में आपको रिकॉर्ड ऑलरेडी है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है बताइए ना। इसलिए कहा गया कि पहले वो लोग कहता था कि हमको इतना पैसा लग जा रहा है, ऐसे लगा, तो अब फिक्स हो गया कि आपको इतना ही पैसा लगेगा। बहुत लोग कहता था कि ज्यादा पैसा लग जा रहा है, तो आपको ज्यादा लगने की जरूरत नहीं, आपको उतना फिक्स हो गया, उतना मैं आप फिक्स करने में सर इतना 3.5 गुना कर दीजिएगा सर। 3.5 गुना बार का व्यवस्था के लिए किया गया है, वो अपना तो क्या 60 रुपए में सर व्यवस्था नहीं होता नहीं था क्या? पहले वकील लोग को कहता था, क्लाइंट लोग हमको इतना फीस ले लिया एफिडेविट का, उतना अब लेने का सवाल ही नहीं है, आप खाली बार का टिकट लगाइए, अपना एफिडेविट आपका हो जाएगा। अब सरकार भी सर इसमें तर्क दे रही है कि हमको न्यायपालिका तो जो हम दे रहे हैं जो पेमेंट है स्टाफ का या आपके जजों का पेमेंट या और जो मिसलेनियस खर्च जो हो रहा है उनके मेंटेनेंस को लेके, उनके निर्माण को लेके, वो हम कहाँ से लाएंगे? इसमें तो मेरा आता नहीं है, नहीं, तो सरकार अलग से तो इसको डिपेंड करने के लिए कोशिश न की है, उसी पर रामसिंह अब चाहते कि सरकार लॉस में जाए। झारखंड को कहता है कि अति पिछड़ा जगह है, यहाँ गरीबों को न्याय मिले, ये गलत बात है, तो यहाँ गरीब का न्याय इसी मिलेगा नहीं है। गवर्नमेंट भी तो ये बात बोल रही है कि रेवेन्यू बढ़ाने, आप जैसे बोले कि एफिडेविट के लिए बार सवाल सर ये है कि आप बोल रहे हैं कि हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं ना। सवाल यहाँ उठ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, सरकार रेवेन्यू बढ़ा दिया, सरकार का कहना है कि हम जजों का पेमेंट करते हैं और बिल्डिंग बनाकर देते हैं और भी बहुत सी चीजें करके देते हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आपका बार एसोसिएशन 200 रुपया एफिडेविट का किस चीज का चार्ज लेता है, वो कलतनामा जो 5 रुपया था उसका 100 रुपया कैसे लेता है, इस पर वकील लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल क्यों नहीं जवाब दे रहा है, इस पर क्यों जवाब देगा? वकील का स्थिति इतना नाजुक हो गया है, इतना खराब हो गया है कि अगर नहीं अगर करेगा तो उसका रोजी रोटी कोई की सरकार उसको पैसा नहीं देती है। लेकिन आप वकील से तो वो अलग से लेते हैं, आप वकील से अपना वे पैसा अलग से लेते हैं, एफिडेविट में अलग से पैसा नहीं, एफिडेविट नहीं, आप उसे वकील को जब भी आप फीस लेते हैं उसके नाम पर फीस लेते हैं, तो फीस तो लेंगे कोर्ट में, ये आप लेते हैं जो एफिडेविट का और कलतनामा का जो 5 रुपया था वो 100 रुपया आप किस आधार पर, इसलिए बढ़ा दिए, उसमें क्यों नहीं कमी कर रहे हैं? सरकार महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि उसमें हम लोग को पेमेंट नहीं है, तो इसी के आधार पर बार को भी तो चलना, आपके पास नहीं आता है सर, बार एसोसिएशन के पास जाता है, 10% में से कौन सी चला जाता है, 90% आपके बार एसोसिएशन को, तो वकीले के भलाई के लिए जाता है ना, दूसरे के लिए तो नहीं जाता है। तो फिर आप ये मत बोलिए कि हम जनता के भलाई का कार्य कर रहे हैं, फिर आप ये नहीं बोलिए कि हम जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले आप अपनी कमी को दूर करें। चाहे बैठने का जगह है वो कौन दिया, कोई दिया है, गवर्नमेंट बना के दिया हम लोगों को, विधायक विधायक फंड से भी तो पैसा लगता कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई फंड से पैसा नहीं, फंड से अभी तो कितना बिल्डिंग का फंड का पैसा है कुछ नहीं, कुछ विधायक का फंड है, सांसद का फंड है, बोल के अभी जो बिल्डिंग का जा रहा है उसके फंड से बनवा नहीं है, एकदम जवाब नहीं है, पैसा दिया उसमें। आप सिर्फ ये लेना चाहते हैं कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप भी एक तरफ जनता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं, इस पर ध्यान देने के बाद। अनुदान मतलब है कि आप गरीबों को उस तरह का अनुदान, धन्यवाद, चाहेंगे कि आप लोग जीतिए लड़ाई, लेकिन जनता हित में लड़ाई, सुनिए, वकील हमेशा जनता के लिए ही लड़ा है, आज देश में आजाद जो घूम रहे हैं ना वकील का ही देन है, कोई पब्लिक का। फिर यहाँ भी सवाल है कि 10 सालों में आप लोगों ने कितना जनता के पास उठाए हैं, कल रखा जो आज जो हम लोग कोर्ट में उठाते हैं बात किसका उठाते हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़े हैं, इसलिए हम लोग 10 वर्ष में अपने क्या लड़ाई, और जज यहाँ पर पब्लिक डोनेशन
पब्लिक डोमेन में कितना विजिट नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक जगह विजिट नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, एक भी जज बताइए यहाँ पर पब्लिक प्लेस में जाकर कहीं पर जज नहीं जाता है। तो पेमेंट हो क्या जाएगा? कौन जाकर पब्लिक विजिट करता है बताइए ना। पीआईएल करने में, पब्लिक का एक पीआईएल करने में आज के समय में कितना खर्च होता है? एक पब्लिक पिटीशन जो अगर डालता है पीआईएल जो है या रीट होता है, रीट व्यक्तिगत है और पीआईएल पब्लिक के लिए, तो पब्लिक ही करने के लिए जब वो जाता है उसको कितना एक्सपेंस करना पड़ता है सर, आप बताइए जरा। नॉलेज है, ₹2000 में सर आपको रीट कहाँ कोई वगैरह ना बताइए सर, कोई बताइए सर, बता दीजिए। जब पीआईएल करने के लिए जो जा रहा है पब्लिक का हित के लिए, जब वो आदमी जाता है कोर्ट में, तो उसको कम से कम सर ₹15,000 का एक्सपेंस पड़ रहा है। एक्सपेंस पड़ता है आने जाने, कोर्ट का खर्चा, कोर्ट का फी वगैरह लेके सर जो आज लग रहा है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि पब्लिक को, जहाँ तक बात है अच्छी बात है कि आपने पब्लिक को लेके आपके जो मन में था आपने इसको लाया, लेकिन पब्लिक को तो बहुत चीज में तकलीफ हो रही है सर, इसको कौन सुनेगा? जैसे जैसे जो जो हम लोग के पास आ रहा धीरे धीरे उसको हम लोग कर रहे हैं। अब एक ही बार सारा कुछ तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप लोग का मन निवेदन है सर कि आप लोग भी जो है ना सर इस एफिडेविट के मामले पे तो उसको आप बढ़ाते हैं, जैसे 60 से 120 कर देते, डबल करते, किकबैक हो गया है तो थोड़ा सा पब्लिक को दिक्कत। दूसरी बात सर, कुछ लोग का शिकायत रहता है कि एफिडेविट लेने के बावजूद भी कुछ लोग एक्स्ट्रा पैसा ले ले रहे हैं कुछ वकीलों। अब जैसे मान लीजिए टाइपिंग करवाना है तो टाइपिंग का पैसा कौन देगा? वकील अपना पॉकेट से देगा, वो तो नहीं देगा। टाइपिंग का पैसा तो सर बहुत नॉर्मल, उसके अलावा भी ऐसा ले लेते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो अपना। हाँ, आप इसकी शिकायत भी है, कोई लेता होगा वो बात नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग टाइपिंग का खर्च लेते हैं और बाकी कोई विशेष खर्चा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जनता की तरफ से वकालत कर रहे हमारे एमके आजाद जी, पब्लिक की तरफ से सहयोगी हमारे विपिन जी और उनके सहयोगी हमारे जो है सो भट्ट जी, और जनता के तरफ से भी हमारे एक शर्मा जी जो कि अच्छे अधिवक्ता जाने जाते हैं। इन लोगों का भी आपने बहुत सुना नागरिक वाणी न्यूज में, इतना कीमती समय देने के लिए नागरिक वाणी न्यूज के और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, जन समस्याओं से एक दूसरे को अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।